1 जनवरी मेरा गधा दिवस है, क्योंकि मुझे 1 अप्रैल को ईसाइयों ने मूर्ख दिवस माना है, इसलिए ये मेरा नया साल है। हिंदू का नया वर्ष रामनवमी के कल स्थापन दिन पड़ता है। युवाओं का भीड़ देखेंगे तो चारों साइड युवा ही नजर आएंगे, और कहते भी हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। सर क्या कहिएगा, आज सारे हिंदू भक्त जो है अपने हाथों में ध्वजा लेकर के खड़ा है। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जमुआ में हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे सारे हिंदू भक्त हैं और सभी हिंदू नव वर्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सारे लोग नारा लगाने का भी मौका देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे हिंदू भक्त हैं और हिंदू नव वर्ष में सारे लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ से आज रैली निकलने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप देखेंगे श्रद्धालुओं का भीड़ आज यहाँ पे पहले ही दिन से हिंदू नववर्ष का स्टार्टिंग से ही सारे लोग तैयार हो गए हैं अपने हाथों में ध्वजा लेकर के, ताकि सारे लोगों को जगा सके, सारे लोगों के अंदर से वो सारी प्रेरणा को आगे ला सके, ताकि वो भी अपने राष्ट्र के लिए खड़ा हो सके। चलिए हम बात करते हैं, सर क्या कहिएगा, आज सारे हिंदू भक्त जो है अपने हाथों में ध्वजा लेकर के खड़ा है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे हिंदू नौजवान हिंदू नव वर्ष जो पहले जानता नहीं था लोग, और आज हिंदू नव वर्ष के समय इस उत्साह से और ये कामना लेकर के, आप देख सकते हैं जितने हिंदू नौजवान भाइयों हैं उनके आँख में, उनके शरीर पर एक अलग प्रकार का चमक दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जो भारत में सरकार चल रही है वो पूरे विश्व में इसकी एक छाप छोड़े हुए है, और हिंदू नौजवान की जो अंगड़ाई है, तरुणाई है, वो अब जाग चुका है। ये कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हिंदू राष्ट्र बन करके रहेंगे, सर क्या कहिएगा, जैसे हिंदू नव वर्ष अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग 1 जनवरी से मानते हैं, लेकिन हिंदू नव वर्ष आज से स्टार्ट हुआ है, तो इस विषय पर क्या कहिएगा आप? जैसे हम सभी जानते हैं कि विक्रम संवत ये हिंदू प्रवृत्ति, हिंदू समाज के लिए यह नववर्ष जो आज विश्व, आज चैत्र शुक्ल पक्ष पहला विश्व 2080 से शुरू होता है, हुआ है, ये सभी लोग अब नए वर्ष 1 जनवरी को भूलकर अब नए वर्ष नौ हिंदू वर्ष को मनाने के लिए सब जागरूक हो चुके हैं। अब भविष्य में प्रत्येक साल हम लोग अब इसी वर्ष इसी दिन रामनवमी के कल स्थापन के दिन से ये हिंदू वर्ष मनाते हैं, और इसको हम लोग शोभा यात्रा निकाल कर पूरे आवाम में यह जागरूकता फैलाने काम कर रहे हैं कि हिंदू के लिए नववर्ष जो है वह यह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथम आज प्रतिपदा 2080 जो प्रारंभ हुआ है, ऐसे ही हम लोग नया हिंदू वर्ष मनाते हैं, और इसके लिए हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे तमाम हिंदू समाज को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और सारे लोग यहाँ पे युवाओं का भीड़ देखेंगे तो चारों साइड युवा ही नजर आएंगे, और कहते भी हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। आप एक युवा भी हैं, हिंदू के सारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एकत्रित हुए हैं। पहले हम लोग हिंदू नववर्ष को जानते भी नहीं थे, लेकिन अगर कहा गया है तो आज ही के दिन मैंने भगवान जो है मैंने सृष्टि का निर्माण किए हैं, नए पत्ते और नए ताजगी के साथ हम लोग जो आज हिंदू नववर्ष मना रहे हैं।
युवाओं के लिए आप क्या कहिएगा? सारे लोग बढ़ चढ़ करके अपने हाथों में ध्वजा लेकर के अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हुए हैं। सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि 1 जनवरी मेरा गधा दिवस है, क्योंकि मुझे 1 अप्रैल को ईसाइयों ने मूर्ख दिवस माना है, इसलिए ये मेरा नया साल है। हिंदू का नया वर्ष रामनवमी के कल स्थापन दिन पड़ता है और अब यही मनाएंगे। 1 जनवरी को हम गधा दिवस रूप में मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे श्रद्धालुओं को आप जब यहाँ पे देखेंगे तो सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सारे लोग अपने इसी जोश और जुनून के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग अपने परंपरा के अनुसार आगे चढ़ रहे हैं।